गुड मॉर्निंग एवरीबडी वेलकम बैक टू द चैनल सो हेज अ स्मॉल अनाउंसमेंट कि कल आई विल बी लाइव टूमो एट एट पी एम ओके सो आई जस्ट वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट जो भी लोग जिनको भी डाउट्स है या फिर कोई क्वेरीज है या फिर किसी भी चीज में आपको दिक्कत हो रही है यू कैन कम डायरेक्टली टॉक टू मी आई विल भी प्रेजेंट एंड आई विल ट्राई रिजोल्विंग योर डाउट्स टू द बेस्ट ऑफ माई केपेबिलिटीज़ जितना मुझको पता होगा आई विल ट्राई हेल्पिंग यू एंड कम प्रिपेर्ड विद योर डाउट्स जो भी आपको पूछना है यू कैन आस्क मी इट विल बी अ डायरेक्ट इंटरेक्शन एंड इट विल बी ऑन यूट्यूब मोस्ट प्रोबेबली एक्चुअली इट वॉज अपोज टू बी टूडे बट यूट्यूब के वेरीफिकेशन का कुछ इशू है फॉर द फर्स्ट लाइफ स्ट्रीम सो आई डोंट नो बिकॉज इवन आई एम न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म तो आप लोग तब आ सकते हैं और हम डायरेक्टली बात करेंगे तो हो सकता है आपके जो डाउट्स हों वो दूसरों को भी काम आ जाए बट दस अ जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप उन डाउट्स के साथ आइएगा जो रेलिवेंट हो देखिए आई डोंट वॉन्ट किसी का भी टाइम वेस्ट हो और दिस इज़ द ओनली रीजन कि मैंने लाइव स्ट्रीम के लिए भी बोला है सो so दैट ना अभी क्या होता है कि हमें डाउट आता है हम चैट्स पे डिस्कस करते हैं उससे क्या होता है ना हर बार किसी को नोटिफिकेशन जाती है सब लोग अपना फ़ोन खून के देखते हैं खोल के देखते हैं सो आई डोंट वॉन्ट कि हम ना ऐसे टाइम वेस्ट करें बिकॉज दिस इज अ वेरी हाई टाइम राइट अभी चार पाँच महीने बाद प्रलिम्स आ रखा है पीपल आर बिजी वाइंडिंग अप देर मेन्स और लोगों का स्टेट पीसेस भी सामने हैं तो आई जस्ट वॉन्ट कि आप अपनी स्टडीज पर फोकस कीजिए रादर देन ग्रुप में आकर आप लिख रहे हैं आपको जो भी डाउट्स है आप एक बार में लिखिए आई विल डेफिनेटली एड्रेस बट सिंस मैं भी प्रिपेयर कर रही हूँ आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं सो लेट्स नॉट वेस्ट आर टाइम और हम डायरेक्टली बात कर लेंगे सो so कम आस्क योर डाउट्स बट आप प्लीज़ ये कोशिश करिएगा कि आपके डाउट्स रेलिवेंट हो नाउ आई एम नॉट सेंग डू नॉट आस्क द थिंग इज़ कि रेलिवेंट इन देंस जैसे कि हमें एकदम छोटे छोटे डाउट्स हैं कि मेरे से बुक मतलब कैसे याद करूँ ये हो तो जहाँ पर रेलिवेंट है कि कुछ चीज़ें आर्टिकल्स याद नहीं हो रहे डी पी एस पी याद नहीं हो रहे या फिर नेशनल पार्क मतलब आपको याद नहीं हो रहे जो भी चीज़ें हैं छोटी मोटी वो समझ आता है बट डू नॉट कम फॉर मतलब छोटी छोटी चीज़ें ना हम ग्रुप में नहीं पूछ सकते हर बार क्योंकि उससे दिक्कत क्या होता है ना सब लोग भी डिस्टर्ब होते हैं और वो होता है कि आप फिर उस चीज़ पर खुद नहीं सोचते देखिए द थिंग इज़ कि कुछ चीज़ों पे ना हमने खुद सोचना होता है अगर हम खुद सोचते हैं ना तो हम खुद को टाइम देते हैं एनालाइज करने का तभी तो बोला जाता है कि आप जितनी सेल्फ स्टडी करेंगे नो no मैटर आपको किसने पढ़ा दिया है किसी ने भी पढ़ाया हो बट एट दी एंड ऑफ द डे जब तक आप वो चीज़ खुद नहीं पढ़ेंगे ना आपको वो प्रोसेस करनी नहीं आएगी एंड मीन्स में सबसे बड़ी चीज़ ही वही होती है कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं उसके बाद आपको उसको खुद एनालाइज करना आना चाहिए तभी तो आप उसका आंसर करेंगे सो दैट्स ऑल आई वॉन्टेड टू से कि लेट्स मीट टमोरो एट एट पी एम हम मिलते हैं एंड वी विल टॉक और जो भी आपके डाउट्स हैं आई एल ट्राई एड्रेसिंग दैम एज पर वॉट आई नो जितनी नॉलेज मुझे है उस बेसिस पे आई ट्राई आंसरिंग दैम सो थैंक यू